सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वायर पूरा रूम में जितना रूम में वायर है उस रूम का वायर घिस गए हैं। घिसने के बाद अब चलते हैं, मेरा रूम का कटिंग है, कटिंग किया जा रहा है। देखिए कितना मेहनत होता है, कितना कर रहे हैं कटिंग को। कटिंग के बाद आप लोग को दीवार पर इसमें पाइप दिखाया जाएगा, किस टाइप से दिखाया जाएगा आप लोगों को मैं बता दूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रही है लास्ट तक। यहाँ से गाइस पूरा जितना भी रूम है, रूम का पूरा पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। देख लीजिए सारे मॉडल बॉक्स लगने वाला है, बोर्ड यहाँ पे भी देने वाले हैं। पूरा कटिंग होने के बाद हम लोग इसको छुड़ेंगे, छूटने के बाद बैठाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कटिंग करना हो तो सबसे पहले आप अपने कान में कुछ लगा ले, हेडफोन लगा ले या कुछ लगा ले। उसके बाद आप लोग को चश्मा का प्रयोग कीजिए, सही रहेगा। चलिए तो मेरे वीडियो में बने रहिए। हम लोग का जो कटिंग किए थे सिलेंडर से उसको तोड़ा जा रहा है, देखिए कितना मेहनत होता है तोड़ने में। ये बहुत ही मेहनत होता है तोड़ने में। तो कटिंग करने के बाद हम लोग पाइप फिटिंग करेंगे, जो ऊपर से पाइप आया हुआ है वो भी फिटिंग करेंगे और नीचे वाला भी फिटिंग करेंगे। ये बोर्ड के लिए पूरा जा रहा है 18 मॉडल का, और यहाँ से यहाँ तक कटिंग पूरा हो चुकी है। देखिए हम लोग वॉल लाइट के लिए भी कटिंग कर लिए हैं। पूरा कटिंग करने के बाद अब पाइप फिटिंग करेंगे इसमें। तो वीडियो में बने रहिए, तभी आप लोग को मिलेगा जो पूरा कटिंग हुआ था फिटिंग के साथ, एक रूम का क्या क्या चीज़ रहता है, मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, पसीना पसीना हो चुकी है। आज मेरे आप लोग देखे थे कि कटिंग किस टाइप से हुआ, और अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ पाइपिंग फिटिंग किस टाइप से हुआ है। तो मैं इसमें का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले क्या क्या हुआ है तो आप लोग को मैं बतला दूं। पूरा सीलिंग में आप लोग को लाइट दिखाई देता ही होगा, चार ठो है, और उसके बाद दो दीवार पे है, और यहाँ पे मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो हरे मॉडल का बक्सा है सब का पॉइंट यहीं पे लिया गया है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग पूरा बोर्ड का मेन ले लिए हैं, और यहाँ पर एक टीवी का है, जो ये पाइप है डिश का आएगा इसमें तार वायर, और यहाँ पर एक है जो मेरा फुट लाइट है। और गाइस यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो यहाँ पे एक ट्यूबे कनेक्शन वाला सिस्टम बनाएंगे नहीं, तो इसमें हम लोग सिर्फ सॉकेट देंगे चार्ज मोबाइल करने के लिए। यहाँ पे एक फुट जो एक वॉल लाइट दिया गया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलते 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 देखिए गाइस यहाँ पे ट्यूबे कनेक्शन दिए हैं। कभी आदमी वहाँ पर चला गया और वहाँ से जाने के बाद लाइट को बंद करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और एक यहाँ पे फुट लाइट है, उसके ऊपर एक लाइट है वॉल लाइट, और एक यहाँ पे है जो ट्यूबलाइट लगाएंगे। तो उसके बाद हम गाय चलते हैं दूसरा रूम में चलते हैं। ये मेरा भाई अंकल, तो गाइस हम लोग चले आए दूसरा रूम में। दूसरा रूम में अब आने के बाद इसमें का पॉइंट हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ एक वॉल लाइट है, और वहाँ पे एक जो एंटीना का वायर है उसके लिए है, और यहाँ से देखिए गाइस यहाँ का एक वॉल लाइट है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ 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 से यहाँ से लेकर यहाँ पे एक पावर बोर्ड दिया गया है, और मेन बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। और इस रूम का जितना भी है वो पूरा लाइटिंग का जो स्विच है यहाँ पे दिया गया है, और एक गाइस वहाँ पे ट्यूबे कनेक्शन दिया गया है, और एक यहाँ पे टीवी का पॉइंट दिया गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और मेन जो पॉइंट है एमसीबी बॉक्स
एमसी बॉक्स को यहाँ पे बैठाया गया है, जो आठवें एमसी बॉक्स है। यहाँ पे पावर जो बोर्ड है उसको हम ले लिए हैं पूरा 6000 मेगा लाइट का, और मेन बोर्ड लाइन लिए हैं जो नीचे से लिया गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू, लव यू, वेलकम।